हेलो दोस्तों, छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों, जैसे कि आज छठ पूजा का पहला दिन नहा खाने का है, तो आज लौकी भात बनता है। तो नहा खाने का दिन खाना जो बनता है, नहा कर बनता है, पहले नाखून काट लिया जाता है, उसके बाद बाल धोकर नहा लेते हैं, उसके बाद ही किचन में घुसते हैं। नहा खाने का दिन रहर दाल और अरवा चावल का भात बनता है। तो रहर दाल को हमने ले लिए हैं और यहाँ पर अरवा चावल हम रख रहे हैं। नहा खाने का दिन खाने का जो बनता है वो बहुत ही नियम से बनता है, तो गैस उस पोंछ के अच्छे से बनता है। अब यहाँ पे हमने चावल धोकर हम ले लिए हैं और यहाँ पे जो हम खाना बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटा जगह है, तो उसके वजह से अच्छा से मतलब वीडियो नहीं आ रहा है पूरा। तो हमने यहाँ पे पतीला में बना रहे हैं और कुकर में रहर दाल बनाएंगे। तो इस तरह नहा खाने का दिन बनता है खाना। प्याज लहसुन बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता है। तो हमने रहर दाल ले लिए हैं और इसमें जो हल्दी नमक जो है अलग से आता है ख़रीद कर, वही डाला जाता है। जो पहले से खाया जाता है वो नहीं डलाता है। दाल में यहाँ हमने जीरा मिर्चा का तड़का लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने सब्जी को कुकर में बनाएंगे। लौकी का सब्जी है तो जल्दी नहीं गलता है, तो हमने कुकर में बना करके इसे ले लेना है। तो इसे भी इसमें भी हम नमक और हल्दी स्वाद के अनुसार डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा करके दो सीटी लगा लेंगे ताकि लौकी जो है अच्छा से गल जाए। अब यहाँ पे हमने तरुआ काटे हैं, जिसे बहुत ही बचका बोलते हैं, पकौड़ा बोलते हैं, तो हमने आलू का तरुआ यहाँ पे ले लिए हैं। अभी हम दाल चावल और पकौड़ा और लौका का सब्ज़ी लेकर के बैठ के खा रहे हैं। आपके यहाँ छठ पूजा का नहा खाने का कैसे होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।